चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर आपका बैंड मॉडिफायर, ट्विस्ट मॉडिफायर, टेपर, ये सब मॉडिफायर्स हो गए थे, ठीक है। अब आज उन मॉडिफायर से कुछ एक्सरसाइजेस को ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले इस एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक टीवी का एक यूनिट बन रखा है इस तरह से, ठीक है। तो इसको अपने बैंड से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ लाइट्स वगैरह लगाने का तो तरीका मैंने पहले आपको बताया था, लाइट्स वगैरह तो लगा लोगे आप, ठीक है। टीवी का भी आप पैनल बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला बैंड वाला जो आपका स्टैंड है, ये किस तरह से क्रिएट करना है ये देखना। सबसे पहले एक बॉक्स ले लीजिए, अभी कोई डायमेंशन मतलब आप अपने आइडिया से ले लो, बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। मॉडिफाई करो, देन यहां पे मॉडिफायर लगाओ बैंड, सॉरी कोई मॉडिफायर लग गया यहां पे, इसको डिलीट किया। बैंड बैंड मॉडिफायर लगाने से पहले बॉक्स में एक बार ये चेक कर लेना कि अपने सेगमेंट जो है वो किस तरह से है। हाइट के सेगमेंट्स को तो इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो उसको इंक्रीज कर दो। लेंथ और विड्थ के सेगमेंट को भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दो। देन यहाँ पे अब आपको बैंड के ऊपर आना है और देखना है कि यहाँ पे किस तरफ ये बैंड हो रहा है, ठीक है। इस तरफ ये बैंड हो रहा है, ठीक है। और डायग्राम के अंदर जो है यहाँ पे मेरा बैंड जो देखो यहाँ पे इस तरफ बैंड है, ठीक है। तो आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो लेंथ है, विड्थ जो ये ज्यादा, इसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा है और ये वाली कम है थोड़ी। ये देखो यहाँ से इसकी थिकनेस कम है, अंदर से ये ज्यादा है। तो इस तरह से मैं कुछ इसको सेट कर लेता हूँ। वापस से बॉक्स पे आता हूँ और यहाँ पे देखो ये आपकी जो है ये आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। इसको जैसे मान लो मैं अप्रोक्सीमेट डाल देता हूँ, 2 फिट डाल दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा साइज का लेके चलोगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा आपको। ये इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। विड्थ मेरे को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, विड्थ को मैं 1 फिट का डाल देता हूँ। देन आपका जो हाइट है, हाइट आपको जितनी भी चाहिए उतनी आप प्रोवाइड कर सकते हो। देन यहाँ पे बैंड मॉडिफायर को अप्लाई किया मैंने, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मेरे को बैंड करना पड़ेगा, ठीक है। जेड एक्सिस के अंदर है, यहाँ से मैंने लिमिट वाला अप्लाई की, देन अपर लिमिट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं मैं। इस तरह से मैंने अपर लिमिट की वैल्यू दी, ये वैल्यू आप दे दो लगभग 2 फिट के आसपास दे देते या 3 फिट 2.5 फिट के आसपास दे दो, 2.5 फिट के आसपास मैंने वैल्यू दे दी। अब यहां से गिज़्मो को पकड़ के इसको ऊपर लेके जाऊंगा इस तरह से, क्योंकि ऊपर से मेरे को बैंड देना। देन यहाँ पे एंगल को डाल दो 90, तो इस तरह का आपका बैंड आ गया, ये जैसा आपका वो डायग्राम के अंदर बता रखा था इस टाइप का, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस इसके अंदर कम है, अगर आपको चेंज करना है तो थिकनेस वगैरह वो चीजें चेंज कर सकते हैं। इसको क्लिक करो, मॉडिफाई करो, बॉक्स के अंदर जाओ, आपकी विड्थ जो है वो 6 इंच रख दो यहाँ पे इस तरह से, अब मेरे को नीचे से बैंड करना है तो मेरे को एक बार और बैंड लगाना पड़ेगा। यहां से बैंड लगाया मैंने, देन लिमिट को ऑन करके नीचे वाले लिमिट को मैंने 2.5 फिट का दिया था, 2.5 फिट, एंटर। यहां पे मैंने लिमिट को दिया और यहां पे एंगल डाल दो 90 डिग्री का, आपका बैंड ये हो गया। इस बैंड को एक बार आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो डिलीट करो, यहां से दोबारा इस बैंड को लगाओ एक बार। मॉडिफाई किया, बैंड मॉडिफायर पे क्लिक किया, यहाँ से ओनली गिज़्मो को पकड़ा और गिज़्मो के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो इस तरह से, ओनली गिज़्मो का साइज बड़ा करना है आपने, ठीक है। ये इस हिसाब से करना है कि इससे थोड़ा सा बाहर आ जाए, यहाँ पे देखो जैसे ऊपर वाला जो पार्ट आपका ये वाला इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद वापस से लिमिट लगाई 2.5 फिट, देन अब मैं इसको
बैंड को सिलेक्ट किया, लिमिट को ऑन किया, तो ये वाली प्रॉब्लम जो है, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको बैंड मॉडिफायर पर काम करते टाइम आएगी, तो उसको बहुत थोड़ा समझ के करना है। देखो ये यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, ये आपका पहला वाला बैंड है, ये इस तरह से आ रहा है। दूसरा वाला जो बैंड है ये यहाँ पे आ रहा है, देखो इस पर करना क्या था, गलती क्या कर रहे थे, अच्छे से इसको देखो। यहाँ पे जब आपका पहले वाला बैंड जो है इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको बॉक्स सेलेक्ट नहीं रखना है, पहले वाले बैंड को सिलेक्ट किए हुए रखना है, ठीक है। उसके बाद मॉडिफायर लिस्ट के अंदर जाके बैंड अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको यहां से लिमिट ऑन करके 2.5 फिट और यहां से एंगल देना है इस तरह से, ये एंगल मेरा है 90। उसके बाद मैं इसको यहां से रोटेट कर दूंगा, यहां पे मेरा एंगल स्नैप जो है वो ले लो 90। देन मैंने इसको यहां से इस तरह से 90 पे रोटेट कर दिया, तो कुछ ये चीज बन गई, ठीक है। अब यहां पे अपन ने इसका क्या साइज दिया था, यहां पे इसका साइज दिया था 6 इंचेस दिया था, और ये वाला दिया था 2 फिट का। तो इस साइज का अपने को बॉक्स बनाना है और यहां पे लगाना है, तो यहां से मैंने बॉक्स लिया। एक्चुअली ये कंडीशन भी नहीं है, आप इसके अंदर देखो डायग्राम के अंदर दोबारा, यहाँ पे मेरे को बॉक्स प्रोवाइड करना है, यहाँ पे ये पार्ट मेरा बन गया है। अब यहाँ पे बॉक्स लगाना है और यहाँ पे बॉक्स लगाना है मेरे को, ठीक है। देन एक बॉक्स को क्रिएट करो जितना भी आपको चाहिए, हाइट वगैरह वो सब चीजें, मॉडिफाई के अंदर जाके, और यहाँ पे ये जो है ये आपकी लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ अपनी 2 फिट दे दो और ये आपकी विड्थ हो जाएगी, ये आपको जितने रिक्वायर्ड उसके हिसाब से, और हाइट जो आपकी वो हो जाएगी 6 इंच, ये मैंने दे दिया। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से 3D स्नैप को ऑन किया, देन इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ से ओनली वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ मूव गिज़्मो को सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से पकड़ के मैंने मूव कर दिया। इस तरह से मैंने मूव कर दिया, जो भी ज्योमेट्री बना उनका कलर एक जैसा दे देना, तो आपको फिर वो चेंजेस नहीं लगेगा। जैसे मान लो ये मेरा अगर कोई वुड का होता तो मैं वुड का दे देता हूँ दोनों को, इस तरह से मैंने वुड का दे दिया, ये आपका इस तरह से क्रिएट हो गया, ठीक है। सिमिलरली इस तरह का बॉक्स मेरे को नीचे भी लगाना है, इसको ही को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नीचे लगा रहा हूँ इसको, बट नीचे लगाने से पहले एक उसको कॉपी कर लिया आपने, ओके किया। अब इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो इसकी जो लैंड विड्थ है आपको यहाँ से ये थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे की तरफ एक और बनाना है अपने को बैंड, ठीक है। विड्थ को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर चाहिए होगा तो इंक्रीज कर लेंगे। देन उसके बाद आपका 3D स्नैप को वापस ऑन किया, यहाँ से इसको पकड़ा, सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ प्लेस कर दिया, ये लोग अच्छे से प्लेस नहीं हुआ है। अभी भी नहीं हुआ, तब तक आपका एंड पॉइंट प्रॉपर तरीके से नहीं बजा रहा, तब तक आपको छोड़ना नहीं है इसको। एक बार इसको बंद करो, फोन किया, इस वर्टेक्स पॉइंट को पकड़ा और इस वर्टेक्स पॉइंट पे लगा दिया, अब प्रॉपर तरीके से अटैच हो गया आपका, ठीक है। अब इस यूनिट को सबको मैं सेलेक्ट करके और कर देता हूं ग्रुप, ओके किया, इसको थोड़ा सा हाइट भी दे दो, अब इतना मेरा रेडी हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक और बॉक्स लेना है, उसके अंदर भी मेरे को उस बॉक्स की जो हाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं रखनी है,
ये देखो यहाँ पे वर्कबुक के अंदर इसकी जो हाइट है काफी ज्यादा, इसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। नीचे आपको टीवी का मान लो कोई टीवी से रिलेटेड कोई भी सेटअप बॉक्स रिमोट वगैरह कुछ भी रखना, उसके लिए छोटा स्टैंड है नीचे। तो यहाँ पे आपने बॉक्स लिया, बॉक्स को थोड़ा कम हाइट का मैंने क्रिएट कर दिया। अब मॉडिफाई करता हूं मैं, बैंड मॉडिफायर को अप्लाई करता हूँ। बैंड मॉडिफायर को अप्लाई किया, देन यहां से चेक करूं कि इसका बैंड किस तरफ आ रहा है। इस तरफ आ रहा है इसका बैंड, ठीक है, बैंड एकदम सही डायरेक्शन में आ रहा है। अब लिमिट को मैं ऑन करूंगा और यहां से यहाँ पे अपने ये जो लेंथ है ये 2.5 फिट की दी थी, यहाँ पे भी लगभग 2.5 फिट का ही दो, जैसे वो कर प्रॉपरली होगा। ये देखो अभी इसके बॉक्स का जो टोटल जो हाइट है वो आ कितने आ रहा है, 3 फिट आ रही है। आप थोड़ी सी और इसको इंक्रीज कर लो, ऊपर 5 फिट कर लो, 5 फिट मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। देन बैंड मॉडिफायर, यहाँ से लिमिट को मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, कितना इंक्रीज करना है, 2.5 फिट तक। यहाँ से गिज़्मो को पकड़ना है और यहाँ अप्लाई करना है और यहाँ पे एंगल डालना 90 डिग्री का। अब बॉक्स के अंदर जाके ये वाली जो आपकी लेंथ है ये वाली, इसको देना है 6 इंचेस जो कि उसमें भी थी, एंड ये वाली जो लेंथ है ये आपको देनी है 2 फिट, 2 फिट। इस तरह से आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे गलती क्या कर रहे थे लास्ट वाले डायग्राम के अंदर, इसमें अपने बॉक्स को सेलेक्ट करके और फिर बैंड मॉडिफायर लगा देते हैं। आपको बैंड को सेलेक्ट करना है, उसके बाद बैंड मॉडिफायर को लगाना है। ये देखो इस तरह से पूरा आ जाएगा। देन अब लिमिट जो आपको लगानी है वो लगानी है 2.5 फिट पे, 2.5 फिट। देन यहां से एंगल को प्रोवाइड करना है 90 डिग्री का। ठीक है, थोड़ा सा बॉक्स को मॉडिफाई करते हैं, मैं थोड़ी सी और इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूं। या फिर यहां पे आप लिमिट्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। पहले वाले बैंड के अंदर जाओ और लिमिट की जो वैल्यू है वो 2 फिट दे दो, और दूसरे वाले बैंड के अंदर भी जाके लिमिट की जो वैल्यू है वो 2 फिट दे दो। ये आपका इतना काम हुआ था, इसको मॉडिफाई करो, सेकंड वाले बैंड को एक बार डिलीट करो, ये आपका इसको भी एक बार डिलीट करो। यहाँ पे फर्स्ट जो बैंड लगाओ उसके अंदर लिमिट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखो 2 फिट, और यहां से गिज़्मो को पकड़ना है। देन यहां से आपका एंगल देना है 90। देन बैंड को सेलेक्ट किए हुए रखना है और एक बार और बैंड लगाना है। यहां पे भी लिमिट की वैल्यू आपको रखनी है 2 फिट और एंगल देना है 90। इस तरह से आपका ये एकदम सही तरह से क्रिएट हो गया है। इसको सेलेक्ट किया, एंगल स्नैप को ऑन किया, 90 डिग्री पे है ऑलरेडी वो, तो इस तरह से 90 पे मेरा हो गया। ठीक है, इसका कलर भी जो है यहाँ से चेंज कर देंगे, लास्ट में चेंज कर देंगे। अब मैंने इसको मूव किया और यहाँ से 3D स्नैप को ऑन किया। अब इसको यहाँ से पकड़ के और ऊपर लेके जाना है।
इस तरह से अटैच हो गया। अब नीचे से भी मेरे को यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट करना है। आप चाहो तो इसको अनग्रुप करके इस वाले बॉक्स को भी कॉपी कर सकते हो, क्योंकि ये भी लगभग इसी साइज का है। इसको बंद किया, इसको सेलेक्ट किया और यहां से इसको अनग्रुप किया, और आपका ये वाला जो बॉक्स है ये और ये वाला सेम साइज का होगा। तो मैंने कॉपी कर लिया, ओके किया, देन अब एंड पॉइंट्स को मिलाना है। वापस से स्नैप ऑन किया, यहां से इसको पकड़ा एंड पॉइंट से, और यहाँ एंड पॉइंट पे एंड पॉइंट आया नहीं अभी, देखो जब तक एंड पॉइंट दिखाई नहीं दो तब तक उसको नहीं करना। प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है एक्चुअली, अभी देखो नीचे से हुआ नहीं। वापस से सेलेक्ट किया, एंड पॉइंट को ऐसे पकड़ा और इस एंड पॉइंट पे प्रॉपरली हो गया इस तरह से। इसका जो कलर है वो भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इस तरह से ये यूनिट बन गया। नीचे वाले बॉक्स का साइज थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को, तो उसको अगर आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट करके और इंक्रीज कर दो। गिज़्मो भी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर इंक्रीज करने के लिए। थोड़ा बाहर लेके और वापस अब पॉइंट को सही तरह से सेट करेंगे। मैथ्स के अंदर आपको काम जो है धीरे धीरे देख के पॉइंट्स प्रॉपरली अच्छे तरह से, जब तो बिगनर लेवल पे हो तब तो बहुत धीरे धीरे काम करना है आपको। इस तरह से मैंने थोड़ा सा गैप क्रिएट करो, 3D स्नैप ऑन करो, यहाँ आपका एंड पॉइंट आ रहा है, एंड पॉइंट को यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे प्लेस कर दिया है। इस तरह से ठीक है। मान लो पीछे आपके कोई वॉल होती, बॉक्स से ही मैं वॉल बना देता हूँ, वही ये वॉल की लेंथ हो जाएगी, वॉल की विड्थ हो जाएगी और ये वॉल की हाइट हो जाएगी। इसको सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दो, कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट किया, यहां से मैं ग्रुप कर देता हूँ इसको। टॉप व्यू में जाके इसको सेट करना है, इसको थोड़ा सा इसके अंदर ओवरलैप कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, एफ प्रेस किया फ्रंट व्यू के लिए। यहाँ पे देखो आपको कितनी हाइट चाहिए, ये शायद हाइट थोड़ी सी ज्यादा रख दी है वॉल की, बॉक्स की जो हाइट है यहाँ से थोड़ी कम कर दो, 14 फिट है, बहुत ज्यादा है, लगभग 11-12 फिट तक वॉल की हाइट दिखा दो। तो बार लेफ्ट व्यू से भी चेक कर लो एक बार, लेफ्ट व्यू से ठीक है, वापस पर्सपेक्टिव व्यू में आ दो। तो इस तरह से ये मेरा टीवी का जो यूनिट है वो बन चुका है, ठीक है। अब अगर मान लो आपको टीवी के लिए कोई रेक्टेंगल यहाँ पे शो करना है, ठीक है, और रेक्टेंगल जो है वो कॉर्नर मान लो आपको थोड़ा क्लासिक राउंड में सेट करना है, तो उसके लिए अभी अपने जो कमांड हो रखी है उसमें से अपने ओनली एक्शन प्रिमिटिव्स में वेंग ऑन कमांड ही अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से आपको ऑटो ग्रिड ऑन किया, यहां से मैंने अप्लाई किया, मॉडिफाई करके नंबर ऑफ साइड जो है वो 4 ले ली, ठीक है। यहां से फिलेट के सेगमेंट्स को इंक्रीज किया, देन यहां पे एंगल स्नैप को ऑन करके और यहां से 45 डिग्री सेट कर लिया, देन इसको यहां से 45 पे रोटेट कर दिया।
है, यहाँ से फिलेट को थोड़ा कम करता हूँ मैं, फिलेट बहुत ज्यादा दिख रहा है इसके अंदर, फिलेट को मैंने कम किया। और उसके बाद जो हाइट है इसकी, हाइट को भी थोड़ा कम करता हूँ। देन यहाँ पे गिज्मो अप्लाई करके और इसके लेंथ को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, यहाँ से भी इंक्रीज कर लेता हूँ। अब दोबारा फिलेट को चेक करो कि फिलेट के अंदर कोई चेंज करना है क्या आपको। अभी भी फिलेट थोड़ा ज्यादा है तो फिलेट की वैल्यू को और कम कर लो, क्योंकि टीवी के बिल्कुल थोड़ा सा ही राउंड देना होता है कॉर्नर्स को, बहुत ज्यादा राउंड नहीं देना होता। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इस तरह से राउंड दे दिया और हाइट को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी कलर वगैरह कुछ अप्लाई करना हो अप्लाई करती है। उसके बाद नॉर्मल रेक्टेंगल लेके इसकी स्क्रीन बना देते हैं। नॉर्मल आपने बॉक्स ले लिया और बॉक्स के अंदर यहाँ से कलर को चेंज करके इसको फ्रंट को एफ प्रेस करके इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, कहाँ पे आपको इसको इस तरह से चेंज करना है। इसको कर दो डिफॉल्ट शेडिंग के अंदर, यहाँ से आपको क्या हाइट रखनी है, यहाँ से आपको क्या विड्थ रखनी है, ठीक है। नॉर्मली आप टेक्स्ट प्लस से यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। यहाँ पे मान लो मेरे को कोई टेक्स्ट लिखना हो, टेक्स्ट को मैं एडिट कहाँ से करूँगा, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। कोई भी सैमसंग सोनी कुछ टीवी का मान लो आप नेम देते हो, यहाँ से मैंने नेम दिया, ठीक है। उसका साइज मेरे को छोटा करना है तो साइज को छोटा करने का ये रहा आपके पास तरीका, यहाँ से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लेटर्स को कुछ 3D के अंदर करना हो, नीचे काफी सारे ऑप्शंस मैंने बताए थे इस कमांड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रोफाइल आप प्रोवाइड कर सकते हो, अप्लाई कर दो यहाँ से बेवल को, तो ये इस तरह से आ रहा है आपका। बेवल टच को थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ये, सेलेक्ट करो तो थोड़ा और एडिट करना पड़ेगा इसको। ये देखो ये अपना होता है लीडिंग और ट्रैकिंग, ठीक है। ट्रैकिंग को इंक्रीज करते हो तो लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ता है, इस तरह तो सेट कर दिया मैंने। यहाँ पे ये वाली प्रोफाइल अगर सेट नहीं बैठ रही, कॉन्वेक्स कर दो इसको, और भी काफी सारे तरह की प्रोफाइल्स है। तो इस तरह से लेटर्स पे काफी काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मेरा टीवी यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये अभी आपने जो मॉडिफायर काम में लिया ओनली बैंड मॉडिफायर को ही काम में लिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा, जैसे एक टेपर मॉडिफायर से आप क्या चीज बना सकते हो, फिलहाल देखो आपको पहले मैं चेयर बनवा देता हूँ बैंड मॉडिफायर से। एक वापस से मैंने लिया बॉक्स, और बॉक्स लेके और यहाँ पे मॉडिफायर लगा दो बैंड, इफेक्ट ऑन करो, लगभग 50% तक आपका यहाँ पे लिमिट प्रोवाइड कर दो। यहाँ तक आपने लिमिट प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे 90 का एंगल दे,
इसको 90 पे सेट करो। मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया। अब बॉक्स के अंदर जाके कुछ पैरामीटर्स को चेंज कर लो। पार्क के अंदर आपने इस तरह की चेयर देखी होगी, इसको क्रिएट कर रहे हैं। हाइट को थोड़ा इसलिए इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिमिट को थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा। मेरे को उसमें पिकना सा ही चाहिए। अब यहाँ से गिज़्मो को पकड़ता हूँ और इस लिमिट को इस तरह ऊपर लेके जाओ। बैंड को एक बार डिलीट करो वापस से। बैंड मॉडिफायर एक्चुअली एक बार सेट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मॉडिफायर में बैंड लगाया मैंने। बॉक्स को भी डिलीट करते हुए दोबारा बॉक्स बनाओ। इतना बॉक्स बनाया आपने, मॉडिफाई किया, बैंड लगाया। यहाँ से बैंड लगा के आपको यहाँ से लिमिट जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी थी, थोड़ी सी बढ़ानी थी, बट इस लिमिट को मिडिल में बढ़ाना था। यहाँ से लिमिट को मिडिल से बढ़ाना है। यहाँ से गिज़्मो का लिया और यहाँ से इसको मूव कर दिया ऊपर। और अब यहाँ पे एंगल डाल दिया 90 इस तरह से। ये चीज करनी थी मेरे को। यहाँ पे 90 डिग्री सेट कर रखा है आपने और इसको मैंने रोटेट किया, ये कुछ इस तरह से रोटेट हो गया। यहाँ से बाहर आ जाओ, इसको 90 डिग्री पे इस तरह से रोटेट कर दो। लेंथ आपकी थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। तो इसके नीचे के लेग्स बनाने हैं मेरे को। लेग्स किस तरह से बनाऊंगा उसके लिए मैं टेपर को यूज करूंगा, टेपर कमांड जो पीछे बताई थी आपको। इसके लेग्स मेरे को क्रिएट करना, इसको एक बार मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ। यहां से वापस से कोई बॉक्स लो। यहां से मैंने कोई बॉक्स लिया। ये अगर आप अपने हाथ से बना के देखोगे तो थोड़ा सा और इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, सेगमेंट्स मेरे प्रोवाइड कर रखे मैंने। मॉडिफाइड लिस्ट में जाके टेपर लगाया। अब टेपर के अंदर अपने पास एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे। अमाउंट तो मैं इंक्रीज कर ही सकता हूँ इसका इस तरह से, तो ये तो आपके पास ऑप्शन था ही। इसके अलावा अपने पास एक कर्व का भी ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, कर्व को आप इंक्रीज करते हो तो इस तरह से आता है, डिक्रीज करते हो तो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, अब कर्व अगर मेरे को जो डिक्रीज है, ठीक है, या फिर मान लो कब आप इंक्रीज भी कर रहे हो तो इसका इफेक्ट अभी क्या आ रहा है, एक्स और वाई दोनों के अंदर आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसका इफेक्ट वाई के अंदर देख सकते हो, चाहो तो इसका इफेक्ट एक्स के अंदर देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे को जो इसका जो इफेक्ट है मान लो वो इफेक्ट जो है मेरे को ओनली एक्स के अंदर ही रखना है। और कर्व को मैं इस तरह से थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैं इस तरह से इसको कम करती हूँ। ठीक है, और अब यहां से जो लिमिट को मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, सेट करूंगा। यहां से आपने लिमिट इफेक्ट को अप्लाई किया और यहां से इसको इंक्रीज किया। यहां तक आपने अप्लाई किया। अब देखो क्या करना है, बहुत सावधानी से गिज़्मो को पकड़ के ऊपर करना है क्योंकि दोनों तरफ आपको बराबर लेंथ रखनी है।
ठीक है, नीचे भी जितनी लेंथ है ऊपर भी मैंने उतनी ही लेंथ रखी है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको सेट किया। अब यहां से वापस बॉक्स पे क्लिक करके और यहाँ से आपकी जो वैल्यू है विड्थ की, विड्थ वाली वैल्यू जो है वो ये है, इसको चेंज नहीं करना है आपको, आपको चेंज करना है लेंथ वाली वैल्यू को, उसको इस तरह से कम किया, ठीक है। तो ये लैग बन गया, तरह का लैग आपने नॉर्मली देखा होगा पार्क वगैरह में, तो इसको कोई भी सुटेबल कलर प्रोवाइड कर देना जो भी इसका हो। और एक कॉपी और मैं इसकी करता हूँ, पहले उसका साइज चेक करते हैं क्या है। इसका साइज जो है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू में लिया, ये देखो यहां पे आपका ये आ रहा है, इसका बेंच आ रहा है, ठीक है। बेंच के नीचे मेरे को लैग लगाना है, लैग को मूव करके यहां पे लेके जाऊंगा मैं, पर्सपेक्टिव के अंदर आऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपका लैग आ रहा है, वापस से ज्यादा टॉप व्यू फ्रंट व्यू के अंदर और लेफ्ट व्यू के अंदर दो व्यू से इसको चेक करना है। ठीक है, आपको अगर गिज़्मो से थोड़ा इसका इंक्रीज करना हो, आपको अगर स्पान ज्यादा बढ़ा है तो इसको थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं इस तरह से, तो या इसमें भी कोई थोड़ा चेंज करना है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब यहां से जो है मेरा फ्रंट व्यू सेट हो गया। अब लेफ्ट व्यू पे क्लिक करूंगा, एल प्रेस करूंगा लेफ्ट व्यू के लिए, ये तो यहां पे आपका स्पान जो है यहां पे आ रहा है, इसको आप यहां से यहां पे रखो और दो कॉपीज और करो इसकी, शिफ्ट के साथ मैंने दो कॉपीज और की इसकी, ओके किया। एक कॉपी को बिल्कुल यहां पे कॉर्नर पे लगाओ, एक को थोड़ा सा मिडिल के अंदर साइड कर दो इस तरह से, कुछ इस तरह से सेट होगा ये, ठीक है। तो आज वाली क्लास के लिए आप मॉडिफायर से रिलेटेड, जैसे ये टेपर से रिलेटेड एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, ये बैंड का हो गया, ये वाला सारा काम बैंड का हो गया, ठीक है। उसके अलावा ट्विस्ट मॉडिफायर से जो चीजें हैं वो कुछ स्क्यू मॉडिफायर से बनेगी, उसके लिए और ऑब्जेक्ट्स को आप करो ट्राई, ठीक है, करते हैं।